हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का कृष्णा ग्वाल एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समास के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसमें समास से कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य आते हैं। इसलिए आज हम समास के बारे में बात करने चल रहे हैं और इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो समास देख लेते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द। जब दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो जिस शब्द का निर्माण होता है वो सार्थक शब्द होता है, तो इसी को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो सार्थक शब्द यहाँ आया है। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो, जिस शब्द का अर्थ होता है उसी को सार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो समास का उदाहरण यहाँ देखिए, जैसे हो गया प्रतिकूल। तो ये प्रति और कूल शब्द से बना हुआ है ये शब्द, जो समास है। प्रति और कूल मिलकर प्रतिकूल बन गया है। तो समास में एक चीज और ध्यान दीजिए, समास में दो पद होते हैं। जो पहले आता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसको कहते हैं उत्तर पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद जो आता है उसको कहते हैं उत्तर पद। जैसे प्रतिकूल में प्रथम पद हो गया प्रति, और कूल जो है ये उत्तर पद है। तो प्रति और कूल मिलकर क्या बन गया? प्रतिकूल। जो ये शब्द बना प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर जो शब्द बना प्रतिकूल, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे समस्त पद या सामासिक पद। दोनों शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद या सामासिक पद, चाहे जो भी बोल सकते हैं। और जब इसका विग्रह करते हैं, इसको जब तोड़ते हैं, विस्तार इसका जब करते हैं, तो इसको बोलेंगे विग्रह। प्रतिकूल का जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध। प्रतिकूल का विग्रह क्या हो गया? इच्छा के विरुद्ध। तो जो समास में पहले जो पद आता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद का पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं, और जो प्रथम पद और उत्तर पद जो मिलकर जिस शब्द का निर्माण करते हैं उसको समस्त पद कहते हैं, और जब समस्त पद को तोड़ते हैं या विस्तार किया जाता है जब इसका, तो इसको बोलते हैं विग्रह, ठीक है। समझ में आया होगा ये वीडियो आप लोगों को। समास को छह भागों में बांटा गया है। समास को मुख्य रूप से छह भागों में बांटा गया है, लेकिन तत्पुरुष समास के भी कई भाग हैं। इसको भी आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन आज इसमें देखते हैं। क्या देखते हैं इसमें? इस वीडियो में देखते हैं
समास के 6 भागों के बारे में। ठीक है, समास को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है जिसको इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, पहला जो होता है उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। समास को 6 भागों में बांटा गया है, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। चलिए दोस्तों देख लेते हैं समास का जो पहला भाग है अव्ययी भाव समास। इसमें देखेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में देख लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय व प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। और पहचान देख लेते हैं अव्यय भाव को कैसे पहचानते हैं। तो अव्यय भाव में पहला पद जो होता है अन, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्द आते हैं। तो समझ लीजिए कि ये है अव्यय भाव समास। ये सब यदि अव्यय आएंगे पहले, अगर पहला पद पूर्व पद जिसको कहते हैं पूर्व पद यदि इनमें से है कोई, तो समझ लीजिए कि यह है अव्ययी भाव समास। इन शब्दों के अलावा भी कुछ शब्द आ सकते हैं। तो देखिए, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति जो है ये पूर्व पद है। प्रति क्या है? पूर्व पद है। पूर्व पद का मतलब पहला पद। और दिन क्या है? उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब बाद का पद। समास में 2 पद होते हैं, जो पहला रहता है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा शब्द रहता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो प्रति है पूर्व पद, दिन है उत्तर पद, और जिस शब्द का निर्माण होता है उसको बोलते हैं समस्त पद। प्रथम पद और पूर्व पद और उत्तर पद से जिस शब्द का निर्माण होता है उसको बोलते हैं समस्त पद। ठीक है, और प्रतिदिन का जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। दूसरा समास क्या है? तत्पुरुष समास। तो आज हम लोग इसमें तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको, तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। क्या होता है तत्पुरुष समास में? उत्तर पद प्रधान होता है। समास बनाने पर कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जब इसका समास बनाते हैं तत्पुरुष समास में, जब समास बनाते हैं इसको इसका, तो कारक चिन्ह बीच में जो रहता है वो लुप्त हो जाता है। यही पहचान है इसकी। ठीक है, तत्पुरुष समास की यही सबसे बड़ी पहचान है। इसमें जो कारक चिन्ह होता है बीच में वो समास बनाने पर लुप्त हो जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे करुणा से पूर्ण, क्या है उदाहरण? करुणा से पूर्ण। तो ये जो से है यही कारक चिन्ह है। ये क्या है? से क्या है? यहाँ कारक चिन्ह है जो समास बनाने के बाद ये लुप्त हो जाएगा। लुप्त का मतलब हट जाएगा। तो करुणा से पूर्ण है तो समास बनाने पर से हट गया, करुणा पूर्ण हो गया। इतने भागों में बांटा गया है। इसमें क्या जानेंगे? तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है? तो चलिए देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है? तत्पुरुष समास को
मुख्य रूप से छह भागों में बांटा गया है। तो पहला देख लीजिए, पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा क्या है, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है। पांचवा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। और पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जिसको षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जाता है। और छठवां क्या है, छठवां है अधिकरण तत्पुरुष, जिसको सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। तत्पुरुष समास को, तत्पुरुष समास को मुख्य रूप से छह भागों में बांटा गया है। पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए आगे एक एक के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह को, पहले देख लेते हैं। ये कारक चिन्ह के द्वारा ही पहचानेंगे, मतलब कौन सा समास है, तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, कारक चिन्ह के द्वारा हम जानेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए कारक चिन्ह को पहले जान लेते हैं। तो कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह है को। कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है, को। करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह है से और के द्वारा। करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह है के लिए, ठीक है। अपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह है से, लेकिन इसमें अलग होने का भाव रहता है। संबंध का, संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह है का के की। अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह है में अथवा पर, में या पर, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष यदि कारक चिन्ह को आता है तो समझ लीजिए वो कर्म तत्पुरुष है। अगर कारक चिन्ह से आए, चाहे के द्वारा आए, तो ये समझ लीजिए कि है करण तत्पुरुष है। अगर कारक चिन्ह के लिए आता है तो ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगर कारक चिन्ह से है और अलग अलग होने का भाव उसमें निहित है, से कारक चिन्ह है और उसमें अलग होने का भाव है, तो समझ लीजिए कि ये है अपादान तत्पुरुष। और कारक चिन्ह का आए, चाहे के आए, चाहे की आए कारक चिन्ह, तीनों में से कोई भी आए, तो ये संबंध तत्पुरुष होगा। और में आए कारक चिन्ह, चाहे पर आए, तो ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। देखते हैं तत्पुरुष समास को, एक एक समास को अलग अलग देख लेते हैं, छह भागों को इसमें समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे उदाहरण देख लीजिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण देख लीजिए। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो इसमें कारक चिन्ह क्या है, को। कारक चिन्ह क्या है, इसमें कारक चिन्ह क्या है, को है। तो को तत्पुरुष समास, किस तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह को होता है, तो कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह को होता है। तो ये हो जाएगा, इसका समास हो जाएगा गगन चुंबे। गगन को चूमने वाला है, तो इसमें कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तो को का, को हटा देंगे। कहने का मतलब को लुप्त हो जाएगा, ये कारक चिन्ह है। और को कारक चिन्ह होता है कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह को होता है, तो ये है कर्म तत्पुरुष है। और समास इसका हो जाएगा गगन को चूमने वाला का, चूमने वाला है, तो इसका समास हो जाएगा गगन चुंबे। को का लोप हो गया यहाँ, ठीक है, यहाँ को का लोप हो गया। दूसरा देखिए, करुणा से पूर्ण, यहाँ से है, कारक चिन्ह क्या है,
से कारक चिन्ह है तो से का लोप हो जाएगा, और से किस तत्पुरुष समास में के कारक चिन्ह होता है बताए थे अगले वाले वीडियो में, करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह से होता है तो से का लोप हो जाएगा क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो करुणा से पूर्ण है तो ये हो जाएगा करुणापूर्ण, से का लोप हो गया यहाँ पे, और है ये समास है करण तत्पुरुष। तीसरा देखिए प्रयोग के लिए साला, तो यहाँ के लिए है जो ये क्या है कारक चिन्ह है, और किस समास का कारक चिन्ह है, संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह है, और ये कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा, इसमें लुप्त हो जाता है तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह, तो प्रयोग के लिए साला है तो ये हो जाएगा प्रयोगशाला, कारक चिन्ह लुप्त हो गया, और ये है संप्रदान कारक, संप्रदान ये है तत्पुरुष, समझ में। और चौथा देख लेते हैं उदाहरण, देश से निकाला, से यहाँ पर है कारक चिन्ह और निकाला जा रहा है, कहने का मतलब अलग होने का भाव इसमें है, देश से निकाला जा रहा है अर्थात देश से मतलब अलग हो रहा है ना, अलग होने का भाव है इसमें, इसलिए इससे कारक चिन्ह है, ये अपादान है, अपादान तत्पुरुष से है, ठीक है, अपादान तत्पुरुष है, और देश से निकाला, से का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा देश निकाला, और तत्पुरुष में अपादान तत्पुरुष है, ठीक है। पांचवा है राजा का पुत्र, तो यहाँ का कारक चिन्ह है, का के की किसका कारक चिन्ह होता है, संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है, तो का यहाँ पर लोप हो जाएगा तो हो जाएगा ये राजपुत्र, और ये समास है संबंध तत्पुरुष समास है। और छठा देख लेते हैं पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो में या पर किसका कारक चिन्ह होता है, अधिकरण का, अधिकरण तत्पुरुष का, तो यहाँ पे में हट जाएगा, पुरुषों में उत्तम तो हो जाएगा पुरुषोत्तम, और समास है अधिकरण तत्पुरुष। और ये देख लेते हैं आप पर बीति, तो में या पर अधिकरण तत्पुरुष का ही कारक चिन्ह होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष से भी है, तो आप पर बीति, पर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आप बीति, कर्मधारय समास तीसरा समास है जिसको इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, और क्या होता है पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध होता है, विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय संबंध होता है इसमें, किसमें कर्मधारय समास में, समझ में आया, कहने का मतलब विशेषण विशेष का मतलब विशेषता बताई जाएगी उसमें, कुछ विशेषता रहेगी उसकी, या उपमेय उपमान संबंध रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे कमल के समान चरण, कमल चरण, कमल चरण है तो एक कमल के समान चरण, कमल के समान चरण बताया गया है इसमें, तो एक कर्मधारय समास है क्योंकि इसमें संबंध है उपमेय उपमान संबंध है, उपमान उपमेय इसमें संबंध है क्योंकि कमल के समान चरण को बताया गया है, कमल से चरण की समानता की गई है, ठीक है। तो इसमें संबंध क्या है, उपमान उपमेय संबंध इसमें है ना, इसलिए कर्मधारय समास है। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, लाल है जो मणि, क्या है दूसरा उदाहरण, लाल है जो मणि, दूसरा उदाहरण क्या है, लाल है जो मणि, तो यहाँ मणि की विशेषता है लाल, मणि कैसी है, लाल है, अर्थात मणि की विशेषता है लाल, तो ये हो जाएगा लाल मणि। और विशेषण विशेष संबंध है, विशेषता बताइए है, तो ये कर्मधारय समास है। तो चलिए देखते हैं द्विगु समास के बारे में, तो द्विगु समास में
पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होता है। पूर्व पद का मतलब पहला पद जो होता है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, उसमें संख्या किसी संख्या का की जिक्र की जाती है, किसी संख्या का ज्ञान उसमें रहता है, मतलब संख्या के बारे में बात की जाती है। पूर्व पद संख्यावाचक होता है और समूह या समाहार का ज्ञान होता है इसमें, किसमें? द्विगु समास में। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, देखिए चौराहा। चौ का मतलब यहाँ है चार, चार तो पूर्व पद का मतलब पहला पद जो है चौ है, चौ का मतलब चार हो गया, चार संख्यावाचक है ना। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो चौ है, चौ का मतलब चार, कहने का मतलब संख्यावाचक है, तो चौराहा। चौराहा का मतलब क्या हुआ? चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। यहाँ समूह के बारे में बात किया गया है, समूह या समाहार का ज्ञान हो रहा है और पूर्व पद संख्यावाचक है, इसलिए कौन सा समास होगा? द्विगु समास है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, तिरंगा। तिरंगा में ती जो है, ती का मतलब तीन यहाँ है, तीन तिरंगा, यहाँ तीन रंगों का समूह। समूह के बारे में बात किया जा रहा है, समूह या समाहार का ज्ञान हो रहा है और पूर्व पद, कहने का मतलब ती जो है ये संख्यावाचक है, संख्या का ज्ञान करा रहा है, इसलिए ये भी द्विगु समास है। द्विगु समास में यही होता है ना, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पूर्व पद का मतलब पहला पद संख्यावाचक होता है और समूह या समाहार का ज्ञान होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर और अथवा या लग जाता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान और विग्रह करने के बाद और अथवा या, इनमें से कोई एक लग जाता है। और पहचान देखिए, पहचान देख लीजिए इसका। दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये योजक चिन्ह है। दोनों पदों के बीच इसका प्रयोग रहता है उसमें। उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे नदी नाले, नदी नाले के बीच में योजक चिन्ह है, तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है, तो इसका विग्रह हो जाएगा नदी और नाले। तो विग्रह करने पर इसमें देखिए और अथवा या, इसमें से कोई एक लग जाता है, तो यहाँ क्या लग गया? और लग गया। तो ये है समास, द्वंद्व समास। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, आगे और पीछे, आगे पीछे। तो यहाँ योजक चिन्ह इसमें भी है, योजक चिन्ह है, इसका मतलब समझ लीजिए ये भी है ये द्वंद्व समास। तो जब इस ये विग्रह इसका करेंगे तो हो जाएगा आगे और पीछे, यहाँ भी और लग गया। तो बहुव्रीही समास को देख लेते हैं, कौन सा समास है? बहुव्रीही समास। तो बहुव्रीही समास में दोनों पद मिलकर एक नए पद की ओर संकेत करते हैं। बहुव्रीही समास का यही पहचान है, इसमें जो दोनों पद होते हैं मिलकर के एक नए पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, दोनों पद मिलकर एक नए पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद का मतलब समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो दोनों पद जब मिलते हैं तो एक नए पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे देखिए लंबोदर में, देखिए तो लंबोदर का जब भी विग्रह करेंगे तो हो जाएगा लंबा है जिसका उदर, तो ये एक नए पद की ओर संकेत कर रहा है, कहने का मतलब लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा है? गणेश का उदर, पेट गणेश का लंबा है ना, बड़ा है, ठीक है। तो ये लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसकी ओर संकेत कर रहा है? गणेश की ओर। तो एक नए पद की ओर संकेत हो रहा है, अर्थात गणेश की ओर संकेत हो रहा है।
तो ये है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, एक उदाहरण वो देख लेते हैं हम लोग इसमें, दशानन। तो इसका विग्रह हो जाएगा, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, अर्थात दस सिर किसके हैं, रावण, रावण के पास दस सिर थे ना, तो ये मिलकर के दोनों पद मिलकर के क्या संकेत कर रहे हैं, रावण की तरफ संकेत कर रहे हैं, अर्थात ये बहुव्रीहि समास ये भी है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नए पद की ओर संकेत करते हैं, तो एक नए पद की ओर संकेत हो रहा है अर्थात रावण की ओर संकेत हो रहा है, तो यह है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।